बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आवाज़ पाकिस्तान अब्दुल बासित के साथ और मेरे साथ मौजूद हैं इरम अहमद खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इरम, क्या मौजूआत हैं आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं? सबसे पहले तो हम अपनी मुल्क की सियासत पे कुछ बात करना चाहेंगे और मुल्क की सियासत में हमेशा की तरह से एक हिजान बरपा है। एक वीडियो स्कैंडल ने एक नया तहखा मचा दिया है। मरियम नवाज शरीफ एक रैली लेके मंडी बहाउद्दीन भी गई हैं उसी वीडियो के सहारे पे जिसके ऊपर वो पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी हुई थी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जज साहब के ऊपर इल्जाम लगाया था उन्होंने, और वो जो वीडियो थी उन्होंने बयान किया है कि ये एक जज साहब की है जिन्होंने नवाज शरीफ को बेगुनाह करार दिया है। उस वीडियो के रिस्पांस में जिस जज के ऊपर ये बात की गई थी, ये जिनकी ये वीडियो लीक की गई थी, उनका भी रिस्पांस आ गया है। उसके साथ ही साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है कि 5 से 6 महीने के अंदर हुकूमत गिरने वाली है और उसको जो गिराने का सिरा है वो अपोजिशन के सर होगा। इसके साथ ये कि कश्मीर के बारे में हम बात करेंगे। तहरीक आज़ादी में सोशल मीडिया के जरिए एक नई रूह फूंकने वाले नौजवान बुरहान वानी की शहादत हुई है, आज के दिन उनकी तीसरी बरसी है, उस पर बात करेंगे। तो पहले बात कर लें मरियम नवाज की। जी अच्छा, कुछ लोगों से बात हुई है और मेरी इतला के मुताबिक जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का फैसला हुआ उससे तकरीबन घंटा तक, या उससे आप समझ लें 1.5 घंटा पहले तक, कम से कम जो लोग वहाँ बैठे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम सफदर के साथ, उन लोगों के इल्म में नहीं था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने भी जा रही है। तो उनको बहरहाल इंस्ट्रक्ट किया गया कि कायदे मुस्लिम लीग नीन ने ये कहा है कि आप सब लोग आज वहाँ मौजूद हो, और किसी को भी मालूम नहीं था इंक्लूडिंग शहबाज शरीफ को कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होने जा रहा है। ख़ास तौर पे जो वीडियो वाली बात है ये इनके इल्म में नहीं थी। और भारत वो मरियम नवाज ने दिखाई वीडियो क्लिप जो था मुबैना तौर पे, जो उनका क्लेम है कि ये जो सज़ा दी गई है अल अज़ीज़िया रेफरेंस में, ये जो है अंडर प्रेशर थे अरशद मलिक, जो जज अरशद मलिक हैं, और उनका ये कहना है कि सज़ा बनती नहीं थी, लेकिन भारत उन्होंने अंडर प्रेशर ये वर्डिक्ट दिया है। मेरी इतला के मुताबिक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये जो तमाम लीडर थे, इनमें से एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ और शहबाज शरीफ, ये फिर मरियम सफदर साहब से मिलने उनके घर भी गए कलेक्टिवली, और उनसे बातचीत हुई जो हमें मालूम हुआ, और इनका ख्याल ये था कि ये कोई अच्छा कदम नहीं उठाया गया। और फिर इस पे भी बात हुई कि आगे लाइमा हमल क्या होना है, आया हमने यही जो सख्त नैरेटिव है यही रखना है या इस पे कुछ थोड़ी बहुत नरमी पैदा करनी है। शहबाज शरीफ साहब और इवन ख्वाजा सफदर और एहसन इकबाल भी का शायद हमने जो सुना है यही ख्याल था कि थोड़ा बहुत नरमी लानी चाहिए अपने स्टैंड में, ख्वाजा आसिफ और ये सारे लोग जो हैं। लेकिन मरियम सफदर का कहना था कि जी जो कायद हैं उनके, उनसे उनकी बात हो गई है और अब यही नैरेटिव आगे चलेगा। ठीक है। अब उसके जो भी नताइज निकलते हैं हमने इसी पोजीशन के साथ आगे चलना है। अब देखिए, इससे एक बात तो ये वाजे हो गई है कि नवाज शरीफ साहब ने भी यह फैसला कर लिया है कि जो पार्टी की लीडरशिप है, चाहे वो मरियम नवाज वाइस प्रेसिडेंट हैं या प्रेसिडेंट हैं या जनरल सेक्रेटरी हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब क़यादत वही करेंगी बाहर रहकर जब तक नवाज शरीफ अंदर हैं। दूसरी ये भी हकीकत खुल के सामने आ गई है कि जहाँ तक शहबाज शरीफ का ताल्लुक है या हमजा शहबाज का ताल्लुक है, इन लोगों को इस बात का बखूबी इदराक है, एहसास है कि जो PMLN की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हल्का है, वोट बैंक है, वो तो नवाज शरीफ का ही है। और अब आहिस्ता आहिस्ता लोग, चाहे आप मरियम नवाज को जितना भी बुरा भला कहें, उनकी पॉलिसी से आप इख्तिलाफ करें, लेकिन एक इम्प्रेशन आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड हो रहा है कि जो मरियम नवाज शरीफ ही वारिस हैं नवाज शरीफ की। तो अब अगले आने वाले दिनों में
हम देखेंगे, देखिए ना इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मरियम बीच में बैठी हुई थी, इस तरफ भी 2000 उस तरफ भी 2000, तो जिस शहबाज शरीफ साहब काफी परेशान भी नजर आए उसमें, और उनकी तो परेशानी भी बनती है क्योंकि हमें सब याद है जो टेलीफोन उनकी कन्वर्सेशन थी जस्टिस कयूम मलिक के साथ, किस तरह वो उन पे इन्फ्लुएंस होने की कोशिश कर रहे थे। तो ये नहीं है कि माजी में ये काम होते नहीं रहे, इनकी हुकूमत ने भी जजेस को खरीदने की भी कोशिश की, उन पे इन्फ्लुएंस होने की भी कोशिश की, और इस मामले में भी अगर आप जस्टिस अरशद मलिक साहब का जो प्रेस रिलीज है वो ले लीजिए तो इससे भी यही मालूम होता है कि इन्होंने कोशिश की, अपने जो इनके दोस्त हैं नासिर भट्ट शायद नाम है, उनके थ्रू ये कोशिश की कि थोड़ा बहुत इनको कहा जाए कि जी आप हाथ होला रखें, अभी हम आपकी बहुत खिदमत भी करेंगे। अब ये नहीं मालूम कि उन्होंने इनके कहने पे ओब्लाइज किया है, ये भी हो सकता है ना, या जो एक रेफरेंस ने कम अज कम उनको बरी कर दिया। अब देखना, देखो इसमें अगेन एक और पहलू भी सामने आ जाता है। पहले तो ये मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड इसलिए बता रहा था कि जो मेरी मालूमात थी मैंने कहा मैं शेयर करूँ नाज़रीन के साथ। अब आते हैं असल चीज़ की तरफ। एक तो देखिए ये बात भी है, बिल्कुल दुरुस्त है कि अरशद मलिक साहब ने इस वीडियो को चैलेंज नहीं किया, बिल्कुल उन्होंने माना तो है कि ये वीडियो है। और अक्सर औकात इन चीज़ों में ये होता है कि जब आप डिनाई करते हैं तो एक घिसा पीटा हैकनीड ट्राइट एक लफ्ज़ बोला जाता है या एक जुमला बोला जाता है कि ये सियाक व सबाक से हट कर किया गया है। तो अरशद मलिक साहब ने भी यही कहा कि ये सियाक व सबाक से हट के किया गया है। अब जो है उसके फोरेंसिक अगर उसका ऑडिट होता है तभी मालूम होगा। अब हमें नहीं, किनकी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि होगा, किनकी पार्टी से कहा, हुकूमत ने कहा, तो पार्टी चूंकि हुकूमत अपने इदारों से करवाएगी ना, जो ऑडिट की रिपोर्ट निकलेगी वो फिर अपोजिशन कैसे मानेगी। तो ये सारा एक बिजनेस है जो पॉलिटिक्स इस पर चल रही है। लेकिन असल एक और बात भी ये है कि नासिर भट्ट साहब कभी, मैं समझता हूँ कि इखलाकी जो है मामला एक आता है कि आपकी एक दोस्ती थी अरशद मलिक साहब के साथ, आप उनसे मिलने जुलने जाते थे, ताल्लुकात थे, आपने चले ये वीडियो बना ली, फिर उसको ऑडियो ऊपर उससे किया और फिर उसको सिंक किया। लेकिन आपको ये तो शायद मॉरली गलत बात है कि आप अपने दोस्त की जो एक प्राइवेट कन्वर्सेशन है, चाहे वो पॉलिटिकल ही क्यों ना हो, आप उसको इस तरह रिलीज कर दें, ये इखलाकी तौर पर मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। लेकिन चूंकि नासिर भट्ट साहब के ताल्लुकात इन लोगों के साथ भी बड़े ज़बरदस्त हैं, वो PMLN के हामी भी हैं और उनके सपोर्टर भी हैं, उनके साथ एक ताल्लुक भी है, तो ये भी एक लगता है कि शायद उन्होंने इनको ओब्लाइज करने के लिए कहा किया हो ये मामला। अब अरशद मलिक साहब ने जो किया है सो किया, अब हम इस वक्त नहीं कह सकते कि उस फोरेंसिक ऑडिट की भी अहमियत क्या होगी। बहरहाल ये बात ज़रूर है कि इस वीडियो क्लिप की या दो तीन जो क्लिप्स निकले हैं कल परसों से, उनकी कानूनी तौर पे कोई हैसियत नहीं है। कानूनी चूंकि वो एविडेंस के तौर पे सबमिट नहीं हुआ तो उसकी कोई अहमियत नहीं है। अब ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ उसका सुओ मोटो नोटिस ले ले और उस पे तहकीकात शुरू करे और अपने अपने ज्यूरिसडिक्शन के अंदर वो इसका फोरेंसिक ऑडिट करवाए। अब ये कहना तो आसान है लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो करती है नहीं करती, क्योंकि देखिए एक और बात भी बड़ी इसमें इम्पॉर्टेंट है, जितना भी ट्रायल चला है उसमें बुनियादी तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे, मुझे शायद एजाज साहब थे, मुझे पूरा नाम उनका भूल गया, एजाजुल हसन साहब, वो इसके सुपरवाइजर थे इस पूरे ट्रायल के। तो अगर इसमें कुछ इस ट्रायल में कुछ भी ऐसे अगर लोग अगर PMLN ये इस्टेब्लिश करने में कामयाब हो जाती है तो फिर इसका डायरेक्ट जो है असर सुप्रीम कोर्ट पे भी पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, इसलिए इसमें बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। अब मरियम सफदर साहिबा ने तो एक स्टेप ले लिया, अब मजीद स्टेप लेने के इरादा रखते हैं। और जो मैंने कहा कि उनकी मीटिंग जो हुई उसमें तो बड़ा क्लियर थी कि अब हमने पीछे नहीं मुड़ के देखना, अब हमने आगे ही चलना। इसका मतलब ये है कि वो अब कन्फ्रंटेशनल जो पॉलिटिक्स है उसकी तरफ जा रही हैं। हालांकि ये भी याद रहे कि वो अभी डिसक्वालीफाइड हैं 7 साल के लिए, वो अभी एक्टिव पॉलिटिक्स में उस तरह नहीं आ सकती, इन द सेंस कि वो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बन सकती, हुकूमत का हिस्सा नहीं बन सकती। लेकिन भारत PMLN को
उसकी सर्वाइवल के लिए जरूरी है कि उसमें थोड़ी बहुत कन्फ्रंटेशन इस वक्त की जाए। पॉलिटिक्स प्योरली पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव कॉन्टेक्स्ट के उस हवाले से अगर आप देखें तो ये PMLN की जो सफदर कर रही हैं वही सूट करती है, ताकि लोगों के जो PMLN के सपोर्टर्स हैं, कारकुन हैं, उनके खून को गर्म रखा जाए, एक किस्म की एक्टिविटी हो कि देखिए जी हम कन्फ्रंटेशन कर रहे हैं। उनके बयानिए से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, मैं खुद भी इख्तलाफ करता हूँ जो उनका बयानिया है, ख़ास तौर पर कुछ मामलात में, लेकिन जो है एक प्योरली पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूँ कि वो इस हवाले से ठीक कर रही हैं। अब उसका फ़ायदा नुकसान क्या होता है वो वक्त बताएगा, हम इस वक्त नहीं। कुछ लोगों का ख्याल है कि वो अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रही हैं, ये पॉलिटिक्स उनको बर्बाद कर देगी। ख़ास तौर पर जो रिलीज़ किया है उन्होंने ये वीडियो क्लिप, ये भी शायद एक ऐसा इकदाम है या ऐसा स्टेप है जो उनको नहीं करना चाहिए था। अब वो तमाम जितने भी इदारे हैं, इस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी, सब उनके खिलाफ हो गए हैं, तो उनको कहीं से अब रिलीफ नहीं मिलेगा। लेकिन बहरहाल अगर आपने सियासत करनी है और आवाम में रहना है तो फिर आप कुछ रिस्क तो लेने पड़ते हैं, उसके बगैर तो काम होता नहीं। और अगर मरियम सफदर नवाज ने अब ये फैसला कर लिया है कि उन्होंने अब पॉलिटिक्स ही करनी है और अपने वालिद साहब की जगह लेनी है, तो फिर कोई हर्ज नहीं है, फिर तो पॉलिटिक्स होती है और इस तरह ही होगी फिर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स। तो फौरन बाद जो उन्होंने रैली से खिताब करने के लिए वो निकली, ये देखिए अब मुझे समझ नहीं आई, काफी आवाम उनके साथ थी, लेकिन मुझे अभी तक ये समझ नहीं आई कि क्यों उनको इजाजत नहीं दी गई रैली। ये बिल्कुल समझ नहीं। अगर सिक्योरिटी का मामला है तो सिक्योरिटी का मामला तो जो रैली है उसमें ज्यादा मसला हो जाता है, जो जाता है कैरावान वो तो ज्यादा मसला हो जाता है। आप एक जलसा कर रहे हैं वो तो फिर बेहतर है, लेकिन अगर आप एक रैली जा रही है और उसमें एक पूरा गाड़ियां जा रही हैं तो उसमें तो ज्यादा सिक्योरिटी के खदशात या खतरात होने चाहिए। तो ये भी कुछ मैं समझता हूँ कि अगर हमारे यहाँ जमहूरियत है तो फिर इसकी इजाजत होनी चाहिए। आफ्टर ऑल यू नो हमने देखा है पहले भी सालों में, पिछले बरसों में, कि जब आप इस किस्म के स्टेप लेते हैं वो काउंटर प्रोडक्टिव होते हैं। जब हमने देखा, और ये मैं क्रेडिट जरूर दूंगा बुनियादी तौर पे, कि धरना भी हुआ PTI का, उस पर तो कोई मामला नहीं हुआ, इन लोगों ने उसको इजाजत भी दी, इस्लामाबाद में 126 दिन लोग ये बैठे रहे, कुछ प्रॉब्लम नहीं था। तो इस जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं उस पर अगर वो एक तहजीब के दायरे के अंदर रहकर होती हैं, आप अपना मुद्दा बयान करते हैं, तो किसी को भी हक नहीं है कि जो जमहूरियत है उसमें पॉलिटिकल डिमॉन्स्ट्रेशन, रैलीज वगैरह, जलसे जुलूस करते हैं, ये सब उसका हिस्सा है। और आपका नहीं ख्याल कि इस तरह से उनके जो बयानिया पोजीशन को उसको ज्यादा तकवीत मिलेगी कि हमारे खिलाफ इंतकाम? ऑब्वियसली ये देखिए, यही मैं वही कह रहा हूँ कि इससे तो और मजीद जो एटमोसफियर है वो विशिएट होगा और प्रॉब्लम होंगे, तो इसलिए इस किस्म के इकदाम नहीं लेने चाहिए। फिर जो है अब हम देखेंगे, हमने एक बड़ा सफर तय किया है इरम, बहुत से हमारी मसाइल हमने झेले हैं आज़ादी के हवाले से, एक्सप्रेशन के हवाले से। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बिल्कुल हर किस्म की आज़ादी होनी चाहिए, मादर पितर आज़ाद वाली बात नहीं है कि आपके मुंह में जो आया आपने कह दिया, आपने ना रियासत के मफादात का सोचा न कुछ और जो हमारी वैल्यूज़ हैं उनके बारे में सोचा, लेकिन एक जो एक ब्रॉड हमारा एक जो कोड है वो सबको मालूम है कि आप स्टेट के खिलाफ कोई बात नहीं करेंगे, आप अपने रिलीजन के खिलाफ कोई ओपनली इतना बात नहीं कर सकते, और ये सब चीज़ें हमें बहुत अजीज हैं। लेकिन जहाँ पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, जहाँ पॉलिटिक्स है, उसमें तो कदगन नहीं लगानी चाहिए। अगर आप पॉलिटिकली किसी को चैलेंज कर रहे हैं, अपना व्यू पॉइंट दे रहे हैं, इकॉनमी पे बात कर रहे हैं और दूसरे मौजूदात हैं उन पर बात कर रहे हैं, इशू से बात कर रहे हैं, तो इस पे तो पाबंदी नहीं होनी चाहिए। और चूंकि ये जो आज़ादी है, मैं तो जर्नलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन हमारे जो मीडिया के लोग हैं, जर्नलिस्ट हैं, जो हमारे थिंकर्स हैं, एकेडेमिक्स हैं, उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए, और अब हमारा फ़र्ज़ है कि हम जो आज़ादी हमें मिली है या इस पूरी रियासत या माशरे को मिली है उसका हम तहफ़्फ़ुज़ करें, और तमाम इदारों का यही फ़र्ज़ है, क्योंकि आज़ादी से पाकिस्तान को फ़ायदा है। अगर आप इस पर कदगन लगाएंगे, लोगों की आवाज़ को दबाने की कोशिश करेंगे, जो जेन्युइन मामलात अगर डिस्कस हो रहे हैं, सही हो रहे हैं, तो उनको करने दीजिए, इससे आपको कोई नुकसान नहीं है बल्कि आपको फ़ायदा ही होगा।
नाज़रीन वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अपने नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। कश्मीर में आज सोग का मौसम है और हर आंख अखबार है। बुरहान वानी की आज तीसरी बरसी है। वैसे साहब, बुरहान वानी शहादत कुछ इस तरह की है कि मैं खुद बहुत इमोशनल हो जाऊंगी इसके बारे में बात करते हुए, तो बेहतर है कि जम्मू और कश्मीर का जो मामला है उसमें तो ऑब्वियसली हमारे जज्बात जो हैं वो वाकई, लेकिन कहाँ से बात शुरू करूँ ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जब बुरहान वानी की शहादत हुई तो मैं उस वक्त न्यू दिल्ली ही में था, और जब हमें ये इतला मिली कि बुरहान वानी को कुछ और अपने साथियों के साथ शहीद कर दिया गया, तो मुझे उस वक्त शायद ये खदशा था कि ये जो उनकी डेड बॉडी है सिक्योरिटी फोर्सेस वो उनके घर वालों के हवाले नहीं करेंगे, और जिस तरह अफजल गुरु और मकबूल भट्ट के साथ हुआ यही वाकया इनके साथ भी होगा और यही कहीं दफना दिए जाएंगे। लेकिन शायद इंडियन गवर्नमेंट को इतना अंदाज़ा नहीं था कि उसका रिपरकशन कितना सख्त आने वाला है, और वो जो है डेड बॉडी हवाले हो गई, और फिर उसके बाद हमने देखा कि जो उनके जनाजे में फ्यूनरल में जो लोगों का एक जम्मे गफीर था उसकी मिसाल नहीं मिलती, और फिर एक जनाजा नहीं हुआ तकरीबन 8 जनाजे जिसमें लाखों लोगों ने शिरकत की, और फिर पिछले 3 सालों में हम देख रहे हैं कि यही हो रहा है। जो भी मर्द मुजाहिद शहीद होता है कश्मीर में लाखों की तादाद से लोग आते हैं और उस बेरियल में शरीक होते हैं, और उन्होंने पाकिस्तान के झंडे उठाए होते हैं और जो डेड बॉडीज हैं उनको पाकिस्तान के झंडे में लपेटा हुआ होता है, तो ये एक अजीब सा मंजर है जो कि आपकी आंखों एक आपके दिमाग में रच सा बच सा गया है, और मैं खुद भी आपकी तरह इमोशनल हो जाता हूँ जब बात करता हूँ। बल्कि आज भी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की एक उन्होंने एक तकरीब मुनक्कद कर रखी थी बुरहान वानी की शहादत के हवाले से, और जम्मू और कश्मीर में वहाँ पे जम्मू और कश्मीर के जो आज़ाद जम्मू और कश्मीर के जो वज़ीर आज़म है राजा फारूक हैदर वो भी साहब मौजूद थे, उसके अलावा फ़खर इमाम जो हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी कश्मीर के चेयरमैन है वो भी वहाँ मौजूद थे, तो मुझे भी वहाँ तकरीर करने का मौका मिला। और बुनियादी तौर पर जो मैं कहना चाह रहा था और अपने नाज़रीन से भी वही कहना चाहता हूँ कि देखिए जो भी कौमी मकसद आप अपने लिए तय करते हैं उसके लिए ज़रूरी होता है कि पहले आपको क्लैरिटी हो कि भाई ये मकसद है और ये हमने हासिल करना है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये हमारे लिए हमारा नेशनल इंटरेस्ट है। उसके बाद ये होता है कि जब आप ये डिफाइन कर लेते हैं कि आपका नेशनल इंटरेस्ट क्या है, क्या कौमी मफाद है, क्या आपका कौमी ऑब्जेक्टिव है, क्या आप हासिल करना चाहते हैं, तो फिर आप एक उसका एक हिकमत अमली बनाते हैं। उस हिकमत अमली की बहुत सी डायमेंशंस होती हैं, उसमें डिपेंड करता है कि वो नेशनल इंटरेस्ट किस चीज़ का है, कौन सा ऑब्जेक्टिव है। फिर आप उसका जब हिकमत अमली बना देते हैं तो फिर तीसरी चीज़ की जो ज़रूरत होती है वो कमिटमेंट होती है कि आपने बात कितनी कमिटमेंट के साथ उसको फिर परसू करना है। अब देखिए जहाँ तक क्लैरिटी का ताल्लुक है, हम सब जानते हैं कि जम्मू और कश्मीर के लोग कुर्बानियाँ दे रहे हैं, हमारा जो कानूनी मुकदमा है वो बड़ा मजबूत है, जो कानून के अतबार से अगर आप देखिए 1947 से लेकर आज तक जो जम्मू और कश्मीर का मुकदमा है उसमें हमें कोई शक नहीं है, और मैं नहीं समझता किसी पाकिस्तानी या कश्मीरी को शक है उसके बारे में। हम सब जानते हैं कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो भारत क्लेम करता है कि राजा हरि सिंह ने साइन किया था, वो आज तक हमने उसका देखा ही नहीं ओरिजिनल, ओरिजिनल हमें दिखा सकें। वली जो पटेल पेपर्स हैं जो 1971-72 में शाये हुए उसमें अलबत्ता पहली दफ़ा एक कॉपी उसकी हमें नज़र आई, लेकिन वो कॉपी फैब्रिकेट भी हो सकती है, कौन यकीन करता है उसके ऊपर। तो बहरहाल एक जो है हमारा कानूनी मुकदमा तो उसमें तो कोई शक नहीं है। अब हमारी जो हिकमत अमली है
और जो कमिटमेंट है उस पर बहरहाल मुझे हमेशा हमेशा से तो नहीं लेकिन कुछ सालों से उस पर एतराज़ ज़रूर रहा है। ना हमारी कोई मरबूत हिकमत अमली है बदकिस्मती के साथ कि हमने किस तरह इस तनाज़े को या कश्मीरियों को उनका खुद हक खुद इरादियत दिलाना है, न इस बारे में हमारी कोई क्लैरिटी है। और अब हम इस बारे में सीरियस हैं, नहीं सीरियस कमिटमेंट ही नहीं रही ना, हमें लगता ही नहीं है कि हमारी नेशनल कमिटमेंट ये है। अब देखिए बुरहान वानी जैसा नौजवान 22 साल की उम्र में हमारे यहाँ लोग ग्रेजुएट होते हैं और हमारे बच्चे होता है कि जब भी कश्मीर की बारी आती है तो हम लोग को समझ नहीं आता है नहीं क्या एब्सोल्युटली यू आर राइट, इट इज अबाउट इमोशंस और इमोशंस बड़े जरूरी हैं मैं समझता हूँ कि इस मामले में। लेकिन हमारी कौम की बदकिस्मती ये है कि जो हमारी अब वो कमिटमेंट भी नहीं रही बदकिस्मती के साथ। लोग अब देखें ना, एक आम तौर पे लोग हम कहते हैं यार ये जो हमारे को मुश्किल पेश आती है तो और हल नहीं होती तो हम कहते हैं क्या मसला है कश्मीर हो गया है। जी बिल्कुल, हम कहते हैं कि और हमारी मिसाल है मजाक की मिसाल मजाक जो चीज हमसे हल नहीं होती हम उसको मसला है कश्मीर कर देते हैं। इतनी भी हम में ये अखलाकी जुर्रत नहीं है या अखलाकी समझ रवादारी नहीं है कि जो हमारे कश्मीरी बहन भाई कुर्बानियां दे रहे हैं उनको ओन नहीं करते ना, उनको हम ओन नहीं कर पा रहे, हमें एहसास नहीं है कि देखिए बुरहान वानी की शहादत के बाद तकरीबन 3 से 4 महीने तक आप यूं समझिए कि इकोनॉमिक ब्लॉकेट था कश्मीरियों का, तजारत नहीं थी, खाने पीने का मामला नहीं था, लोगों ने किस तरह जिंदगी गुजारी हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते। और फिर छोटी छोटी बच्चियां पैलेट गन से उनकी बेनाई चली गई, क्या बंदा क्या जिक्र करे हैं, जुल्म का सिलसिला तो पहले से शुरू था। लेकिन बुरहान वानी की शहादत के बाद और मोदी की सरकार के आने के बाद जो मजालिम देखे गए हैं वो तो बयान से बाहर हैं। और हम लोग आज के दिन बल्कि कल परसों के दिन हमारे कुछ लोग थाईलैंड में बैंकॉक में मजे कर रहे थे, वो छाओ ट्रैक 2 उन्होंने शुरू कर रखा है एक जिसका कोई मकसद नहीं है। और उसमें जो लोग वहाँ मौजूद हैं भारत की तरफ से बरका दत्त और जनरल अता हसनैन जैसे हॉकिश लोग जो कि कश्मीर के कश्मीरियों की जो आज़ादी क्या तो वो कश्मीर बर्दाश्त नहीं कर सकते, उन लोगों के साथ ये बातचीत कर रहे हैं कि कश्मीर पे टेंशन किस तरह कम की जाए, ये नहीं सोचते कि कश्मीर के मसले को रिजॉल्व किस तरह किया जाए। तो हमारे में देखिए कि आप जैसा शख्स जब बात करता है तो आज सोशल मीडिया पे क्या रिस्पॉन्स, मुझे सारे टेररिस्ट कहना शुरू कर दिए। मैंने आज एक बुरहान वानी पे एक ट्वीट किया और जो ट्वीट मैंने किया उसके बाद मुझे वहाँ इंडिया के जो लोग हैं वो कहते हैं कि जो फॉर्मर हाई कमिश्नर है ही इज ऑल्सो अ टेररिस्ट। तो ये मैं और मुझे कोई आई एम नॉट अपोलोजेटिक अबाउट इट, जम्मू और कश्मीर में समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही अहम इशू है और इस पे हम कभी भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, इसको हल होना चाहिए अक़वामे मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक। ठीक है हमारे हालात अच्छे नहीं हैं, भारत बहुत आगे जा रहा है, उसका इकोनॉमिक क्लाउड बढ़ रहा है, लोग हमारा साथ देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन खुदारा ये मसाइल तो हैं। लेकिन इन मसाइल के अंदर रहकर आपने क्या कोशिश की है, क्या हमारी सफारतकारी में वो एक्टिविटी आपको नज़र आती है? मुआज़रत के साथ वो हमें नज़र नहीं आता। आज UN ने एक रिपोर्ट चले इशू कर दी ह्यूमन राइट्स पे, लेकिन वो ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट आप पे भी लागू होती है, उससे कश्मीर के मसले में ठीक है एक पर्सपेक्टिव मिलता है, मैं उसको अंडरमाइन नहीं कर रहा, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। जम्मू और कश्मीर का मसला हल करने के लिए भारत पे प्रेशर डालने के लिए बहुत कुछ करना है। और आज यही मैंने फ़खर इमाम साहब से भी यही कहा, राजा फारूक हैदर साहब से मैं यही कहता रहा हूँ और उनको मैंने कहा कि आपकी सफारतकारी में इतने गैप्स हैं कि अब वक्त आ गया है कि एक स्पेशल इन्वाया बनाइए जम्मू और कश्मीर पे, थोड़ा खुदारा संजीदा हो जाइए, इस मसले को ऐसा मत लीजिए कि ये कोई किसी गली मोहल्ले का या किसी सड़क का बनना है, ये एक ह्यूमन 13-14 मिलियन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं कश्मीरी, ये कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट भी नहीं है, हमें कोई ज़मीन नहीं चाहिए, ये लोगों की जानो माल उनकी आबरू उनके इंसानी हक का मसला है। तो खुदारा इस मसले को सीरियसली लीजिए। और मैं अभी भी कहता हूँ इमरान खान साहब इलेक्शन से पहले इलेक्शन के बाद जब वज़ीर आज़म बने तो बड़ा कहते थे कि मोदी साहब आ जाएं तो ताल्लुकात हमारे अच्छे हो जाएंगे, और मैंने उस वक्त भी कहा था कि वज़ीर आज़म साहब बड़े एहतराम के साथ आपने ये जो कहा है ये नहीं हो पाएगा, बिल्कुल ऐसी बात आपने की है
कि मैं तो इससे कभी इत्तेफाक ही नहीं कर सकता। और आप देखेंगी अभी तो शुरुआत है, अमित शाह जो उनके होम मिनिस्टर हैं अभी गए हैं मकबूजा जम्मू और कश्मीर, जो बयानात उन्होंने दिए हैं वापस आकर लोकसभा में वो भी हमारे सामने हैं। तो बस अल्लाह खैर करे, लेकिन हमें हमारी बहसियत कौम हम जम्मू और कश्मीर के कॉज से बहुत दूर चले गए हैं। कश्मीर इस वक्त एक और बुरहान वानी खोने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। वक्त हुए छोटे से ब्रेक का, इसके बाद वापस आके आपकी लाइव कॉल सुनेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। जी शाह साहब क्या कहना चाहते हैं? बस अच्छा चल रहा है, अल्लाह का बड़ा करम है। अच्छा बस साहब, मैंने थोड़ा सा डिस्कस करना था। आजकल जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में अब नए से नया रोज एक शोशा चलता रहता है, फरमाइए। आम रूटीन में बंदों के पास खाने का, पीने का, पहनने का कोई सिस्टम नहीं है हमारे मुल्क में, लेकिन हम डेली देखते हैं हमें एक लॉलीपॉप आ जाता है। अब ये वीडियो को आ गया है, ये 10-15 दिन ये चलेगा, ये खत्म होगा, उसके बाद कुछ और आ जाएगा, और गरीब भी सुनने वाला कोई नहीं। बिल्कुल ठीक जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, आई एग्री विद। हाँ, हमारे हमारे जो मेन जो हमारे जो इशू हैं वो कौन सॉल्व करेगा? वो सॉल्व तो देखें ना, पीटीआई करेगी, हुकूमत ही करेगी ना, उनको हमने मैंडेट दिया है। लेकिन आज मैं वो भूल गया, फयाजुल हसन चौहान साहब को भी दोबारा एक ओहदा मिल रहा है, ओहदा मिल गया है, और वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे। पहले तो उनको हटाने नहीं चाहिए था, वो जो दाना लोग हैं ना, वो कहते हैं कि जब आप कोई काम करें या कोई ओपिनियन बनाएं अपना कोई, तो उस पर बहुत सोचें पहले, और जब उसको तब्दील करें तो उससे भी ज़्यादा सोचें। लेकिन हमारे यहाँ देखिए, अगर उनको हटाना उस वक्त ठीक था तो अब इनको दोबारा लगाना कैसे ठीक हो गया? अगर इनको दोबारा लगाना ठीक है तो उस वक्त उनको हटाना कैसे ठीक हो गया? मतलब एक अजीब तमाशा है इस मुल्क में। मतलब लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए 5-6 माह के लिए उनको हुकूमत से अलग कर दिया, आज फिर जरूरत पड़ी है कि जी हमें इस किस्म के नौजवान चाहिए जो आके जुबान ऐसी इस्तेमाल करें कि अपोजिशन के छक्के छुड़ा दें, तो आप उनको वापस ले आए हैं। तमाशा है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब? कराची से बात कर रहा हूँ, डॉक्टर आरिफ। जी डॉक्टर आरिफ साहब, फरमाइए क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक तो ये जो गवर्नमेंट ने 50,000 रुपए से ज्यादा पे टैक्स कटता है हमारा, 50,000 रुपए से ज्यादा कैश विड्रॉल पे, ठीक, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो 50,000 रुपए में आदमी नहीं लिफाज और घर नहीं संभाल के, एक फ्रिज लेने जाए वो 50,000 रुपए का है, कंप्यूटर लेने जाए वो 50,000 रुपए का है, लैपटॉप लेने जाए 50,000 रुपए का है। आप वो चेक मेंटेन लेते हैं, वो कहते हैं कि भाई पता नहीं चेक बाउंस हो जाए, ये अगले दिन क्लियरिंग, बल्कि क्रेडिट कार्ड भी नहीं लेते, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड भी कहते हैं हमें नहीं चाहिए, हमें कैश ही चाहिए। नहीं तो वो ना कैश चाहिए। अब ये जो है ना एक तो इशू है, दूसरी चीज ये कि जो इनकम है हमने इनकम टैक्स अदा कर दिया, वो इनकम हो गई हमारी, अब उस उसी इनकम से हम कोई चीज खरीदते हैं, खाना खाने जाते हैं। मैं अभी 3 दिन पहले ये एक्सपीरियंस कर रहा हुआ, तो खाना 1500 रुपए का हुआ, 200 रुपए टैक्स लग गया, तो सेल टैक्स। अब वो चीज जो हमने एक दफा टैक्स उसे पे कर चुके, उससे दोबारा हम खर्च कर रहे हैं, पेपी टैक्स दे रहे हैं। और तीसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, एक और बात मेरे सुन लीजिए, कि ये जो नाम हम कहते हैं कि शौकत खानों को लोग देते हैं पैसा, गवर्नमेंट को नहीं देते हैं, शौकत खानों वालों के पीछे भी प्यार वालों को लगा दीजिए कि जो आपको 1,00,000 रुपए डोनेशन देते हैं, जरा उनके घर पर छापे मारे हैं, कहाँ उनके साथ में कितने देखे शौकत खानों को कितने टैक्स हाथों में जाते हैं। चले डबल ट्रिपल टैक्स, ये तो रिग्रेसिव टैक्सेशन इसी ही कहते हैं ना, रिग्रेसिव टैक्सेशन है ये, जितनी भी इनडायरेक्ट जो है टैक्सेशन ये ठीक नहीं है। और इसलिए मैं तो अभी भी ये कहता हूँ कि जो इस्लाम ने निज़ाम दिया है ना ज़कात और उश्र का, उसको अगर आप इंस्टीट्यूशनलाइज कर लें तो कोई किसी और टैक्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन करे कौन, मसला यही है। लास्ट कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब? हमारे फारूक जी सियालकोट से बोल रहा हूँ। जी फारूक साहब फरमाइए क्या कहना चाहते हैं? अच्छा जी, मैं सिर्फ ये इतनी लंबी छोड़ी ये सारी बातों को मैम, मैं सिर्फ दो चीजें पूछना चाहता हूँ। जी फरमाइए फरमाइए। आया नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब ठीक है या कि जरदारी जो है ना वो ठीक है, ये पूछना चाहते। अगर जरदारी साहब ठीक है ना, तो फिर ये नून लीग वाले कहते थे हम इनका वो फाड़ेंगे, पेट फाड़ेंगे, पैसे लेके आएंगे, सारा कुछ करेंगे, तो वो कुछ भी नहीं किया।
ऐसा क्यों हुआ? इसका मतलब यात्री जरदारी साहब अगर गलत थे तो मैं तो वो तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये तो यही तो सियासत है हुमायूं साहब कि वो कह रहे थे कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, आज ये सारे मिल बैठे हैं। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि इमरान खान साहब बहुत बड़े क्लेम करते थे कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, आज वही मुशर्रफ साहब के और जो PMLN और पीपल्स पार्टी के लोग थे वो आज उन्हीं काबीना के मेंबर्स हैं। तो ठीक है, ये बात इस हद तक मैं मानने को तैयार हूँ कि असल चीज़ जो होती है वो टीम का जो लीडर है उस पर डिपेंड करती है। आप किस तरह इमरान खान इस टीम से काम ले सकते हैं, लेट्स सी, वी आर ऑल कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं, अपनी आरा भी दे सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।